नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। हमारे दो हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल में हम मनोरुग्ण तथा व्यसनी जो लोग हैं शराबी, उनको हम रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं। और दूसरा हमारा जो हॉस्पिटल है वहाँ मनोरुग्ण और व्यसनी को रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करते हैं और वहाँ लंबे समय तक पेशेंट रहते भी हैं बिना रिश्तेदार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, एक जो मेरे पास में काउंसिलिंग के लिए क्लाइंट आया था, वो आया था विशाखापट्टनम से, काफी परेशान, और एक कंपनी में नौकरी कर रहा है। उसको ऐसा हो गया कि एक लड़की से उसको प्यार हो गया, लड़की है 18-19 साल की करीब करीब, इसकी उम्र है 24-25 साल, और चक्कर यह है कि वो लड़की उसको घुमाती है, घुमाती इन द सेंस कि उसको बोलेंगे पैसा खर्चा कर, ये होटल में ले गया, वो होटल में ले गया, यहाँ घुमाने ले गया, फिर वो सेक्स की डिमांड भी करती है इसके साथ में, और उसको बोलती है कि मेरे साथ में तू शादी करेगा नहीं करेगा, अपने माँ बाप के बारे में बात करती है, मतलब ये ऐसा कि भाई उसको जैसा उसने अपने कब्जे में कर लिया, जैसा जैसा बोलती वैसा ये करते रहता। पर सब ठीक चल रहा, अचानक उसको मालूम पड़ा कि ये लड़की और भी 3-4 लड़कों के साथ में ऐसे ही करती है, और जब इसको ये मालूम पड़ा तब ये बहुत डिस्टर्ब हो गया। तो भाई ये ऐसा हुआ कैसे, जब ये अपने साथ में इतनी ये लगी हुई है, लगाव है, मेरा भी उसके साथ में लगाव है, ये बताती कि लगाव है, और ये ऐसा हुआ कैसा, ये तो अलग अलग लड़कों के साथ में घूम रही फिर रही। जब उसने उसको मना कर दिया तो बोले नहीं नहीं मैं घूमती नहीं, उसने तो पहले नकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर मालूम पड़ा बोले ठीक है उसमें क्या है, मेरे दोस्त है, तो यहाँ तक तो बात ठीक है। अभी प्रॉब्लम यह हुआ कि अभी ये लड़के को उसके सिवाय गमता ही नहीं, इसको मालूम है कि वो लड़की अच्छी नहीं है, उसका कैरेक्टर खराब है, मगर ये जब सुबह उठता है तो रात को सोने तक उसको ये लड़के के बारे में ही बार बार विचार आते रहते हैं, और जब विचार आते हैं तो अभी वो क्या करती होंगी, अभी किसके साथ में तो नहीं गई, मैं उससे 2 मिनट तो बात कर लूँ कम से कम, ऐसा उसको लगता है, फिर उसको ये कॉल करेगा, वो कभी उसका कॉल उठाएंगी कभी नहीं उठाएंगी, और उसको बात किया फिर अच्छा लगता है कि ठीक है अभी बात तो किया मैंने, और थोड़ा शांत हो जाता है, 2-4 घंटे अच्छा लगता है, फिर उसको लगता है कि नहीं मैंने उससे बात करना चाहिए, और उसने कहीं किससे बात नहीं करना चाहिए, वो लड़की ने मेरे साथ में बात करना चाहिए, मगर वो तो करती है, मैंने बोला कि तो उसको छोड़ दे अभी, तो वो तेरी नहीं है, वो तेरे साथ में शादी करने का ड्रामा कर रही है, और वो तो ऐसी कैरेक्टर का मतलब कोई ठिकाना नहीं है, उसके कैरेक्टर लेस है, वो तो तेरा पैसा खर्चा करवा रही है, और तू क्यों ऐसा पीछे लगा, नहीं मेरा तो बार बार मन करता है उससे बात करने का, वो यदि उसने बाकी लड़कों को छोड़ गया तो मैं इसके साथ में शादी भी करूँगा। इसको ये मालूम है कि वो कौन से समाज की है, कौन से जात की है, है ना, ये भी पता नहीं है, ये रहने वाला यूपी का, उसका कंपनी है विशाखापट्टनम में, वहाँ सर्विस कर रहा है, और उसमें वो फंसा हुआ है। अब इसको पता है कि भाई ये उसको छोड़ेंगी नहीं, मतलब वो लड़की भी उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, और बाकी लड़कों को भी छोड़ने को तैयार, उसको बार बार वही विचार आते हैं। अब ये जो विचार है वो मतलब उसको वो लड़की की विचार है कि छाती में धड़कन, हाथ कपते हैं, विचार आते रहते हैं, नींद खराब, नर्वसनेस, बहुत रोना आता है, उदासीनता रहती है, खाना धरता नहीं है। उसने अपना फोटो बताया, इतना स्मार्ट लड़का, ऐसा बॉडी बिल्डिंग अच्छी थी, एक 6 महीने पहले की बात है, और ये 6 महीने में कम से कम उसने 15 किलो वजन अपना कम कर दिया सिर्फ चिंता के कारण, और बार बार वो लड़की की विचार आता। मैंने उसको बोला कि ठीक है अच्छा है, अभी तेरे को मालूम पड़ा ये ऐसा है तो कम से कम अभी तभी तू जान अपनी छुड़वा ले, अभी मालूम पड़ा ना तू तो उसके साथ में शादी करने को तैयार, तेरे को मालूम हुआ कि लड़की अच्छी नहीं है, वो तेरे साथ में अभी आज भी नहीं है, वो बोलती है कि हाँ मेरा है कोई इसके साथ में अफेयर, और बाकी लड़के के साथ में मेरी दोस्ती है, मैं उनके साथ में घूमती फिरती हूँ, तो भी तू क्यों कर रहा है सब, बोलता है कि मेरे से रहा नहीं जाता। एक मैंने उसको बताया कि भाई ये फिजिकल अट्रैक्शन है, ये तेरा प्यार नहीं है, ये उम्र का तकाला है, जैसा एडोलेसेंट, मतलब ये क्या होता है कि लड़कों को 15 साल से लेकर 25 साल तक इसमें क्या होता है कि हार्मोनल काफ़ी डेवलपमेंट हो जाता है, एडोलेसेंट एज है ना, उसके बाद में यंग एडल्टहुड है, इसमें क्या होता है कि हार्मोनल मतलब केमिकल चेंजेस इतने और सेक्स कैरेक्टर्स इतने अंदर से जोर करते हैं कि वो बच्चों को चुप नहीं बैठने देते, वो लड़का हो या लड़की रहे,
और वो जो है वो आदमी को चुप नहीं बैठे देंगे, ये लाइक अ मैग्नेट, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। लाइक जब मैग्नेट अटैक होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पोल, वैसा अट्रैक्ट हो जाता है। मैंने उसको बोला कि ये प्यार नहीं है तेरा, ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, ये शारीरिक आकर्षण है, ये कुछ प्यार प्यार कुछ भी नहीं है। फिर वो बोला कि नहीं नहीं मैं ऐसा करता हूँ कि मैं और लड़की के साथ में और कोई दोस्ती कर लेता हूँ ताकि मेरा छुटकारा हो जाए। उसने और कई लड़की के साथ में वो गया, उनके साथ में वो सोने की कोशिश किया, मतलब ऐसी सेक्स वर्कर थी, उसके साथ में ये सोने की कोशिश किया। बोले मुझे कोई इच्छा ही नहीं हुई उसके साथ में कुछ करूँ मैं, और जब इमोशन ही नहीं आया कुछ सेक्स करने का तो वापस आया। तो उसका भी ऐसा हो गया कि मैं और कहीं काम का नहीं रहा, मैं किसके साथ में शादी भी नहीं करूँगा, ये लड़की भी नहीं होना, और होना भी है, दोनों भी है, बार बार विचार आ रहे, मतलब 15 किलो वजन कम हो चुका है, और ऐसे हालत में अभी करना क्या। ये एक प्रकार का डिप्रेशन और ऑब्सेशन, मतलब ऑब्सेसिव थॉट्स भी है, बार 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 लड़की विचार आते हैं, इसकी वजह से डिप्रेस भी होगा, और उसकी वजह से एंग्जाइटी भी उसको काफ़ी होती है, एंग्शियस सिम्टम्स भी आते हैं, ऐसा एक कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब सब बीमारियों का कॉम्बिनेशन, सब सिम्टम्स को दिख रहे हैं। उसका कारण है अफेयर, मतलब लोचा सेक्स का, और अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स का। अभी उसको मैंने काउंसिलिंग के लिए बुलाया, तो ये काउंसिलिंग कर, ये बार बार विचार आते हैं, ये ऑब्सेशनल थॉट्स है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोई मैं दवाई देता हूँ, और ये दवाई से, काउंसिलिंग से, हिप्नोसिस में हम क्या करते हैं कि हिप्नोटाइज करके उसको विजुअलाइज करने के लिए बोलते हैं, कि तू विजुअलाइज कर कि नाउ यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर पीसफुल, और विजुअलाइज करके कि भाई मैं वो लड़की के बिना भी रह रहा हूँ, और मतलब वो लड़की नहीं है तभी भी मैं अकेला हूँ, और मैं बहुत ही खुश हूँ, और मैं बहुत ही शांत हूँ। मतलब ऐसा कि नहीं भाई वो लड़की नहीं है ऐसा नहीं है, मतलब कहीं भी निगेटिव सूचना है सम्मोहन अवस्था में देने की नहीं है, मगर मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, और मैं रिलैक्स हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं बहुत एंथुजियास्टिक हूँ, ऐसी कल्पना करना है, और उसको सब सम्मोहन वगैरह सब सिखा दिया, हिप्नोटाइज कैसे करना, सेल्फ हिप्नोटाइज सिखा दिया, और उससे उसको धीरे धीरे फर्क पड़ जाएंगे। ऐसे काफ़ी लोग होंगे, अभी तो इतना ये बढ़ गया है, ये फेसबुक और व्हाट्सएप, इसमें इतना ये बढ़ गया है, तो आपके भी परिचय से काफ़ी लोग होंगे, बच्चों की मतलब 15 से 25 साल की ये उम्र में बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है ये मोबाइल की वजह से। माँ बाप बहुत ही फ्रीली अपने मोबाइल्स बच्चों को देते हैं, और इसमें बच्चे क्या क्या नहीं करते, तो ऐसे काफ़ी सारे बच्चे होंगे आपके परिचित, जरूर ये वीडियो उनको शेयर करो ताकि उनकी ज़िंदगी बच जाए, नहीं तो उनकी ज़िंदगी तो मट्टी मोड़ हो जाएगी, कहीं के रहेंगे नहीं। क्योंकि ये जो लड़का जो बात कर रहा हूँ मैं, उसने 2 बार तो सुसाइड करने की कोशिश की, उसमें वो बच गए। तो ज़रूर ये वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।